चलिए रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू क्षेत्र के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा और साथ ही होटलों, यात्रा प्रतिष्ठानों और साथ ही अस्पतालों समेत जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी संस्थानों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा बहाल करने की अनुमति दी है। निर्भया के दोषियों में से एक मुकेश सिंह ने जारी डेथ वारंट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और वहीं पटपटगंज से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तिमारपुर से दिलीप पांडे और कालकाजी से आतिशी को टिकट मिला है। पार्टी ने 15 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है और साथ ही इस बार पार्टी ने 8 महिलाओं को भी टिकट दिया है। पीओके वापस हासिल करने के लिए आदेश मिलने पर कार्रवाई करने को लेकर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने के बयान पर केंद्र सरकार ने समर्थन किया है। आर्मी चीफ के बयान पर रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि दरअसल सरकार इस पर निश्चित तौर से गौर करेगी। पीओके के भविष्य को लेकर जनरल नरवाने ने कहा था कि दरअसल सरकार का आदेश मिलने पर हम कभी भी एक्शन ले सकते हैं, पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है और इसका फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने झारखंड के मधुपुर से दिल्ली के आनंद विहार के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। गिरफ्तारी के बाद डीएसपी देवेंद्र सिंह ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। पूछताछ में डीएसपी ने बताया है कि उन्हें आतंकियों को जम्मू और उसके बाद चंडीगढ़ पहुंचाने के लिए 12 लाख रुपए दिए गए थे। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार डीएसपी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि डीएसपी ने श्रीनगर के इंद्रानगर इलाके में आर्मी बेस के पास में घर 2017 से बनवाया जा रहा है। बता दें कि 4 महीने पहले राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किए गए जा चुके देवेंद्र सिंह को सोमवार को सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही उनसे वीरता पुरस्कार भी वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दरअसल जारी बहस को लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नया मोड़ दिया है। अधीर रंजन ने कहा है कि डीएसपी की जगह कोई मुसलमान अफसर होता तो आरएसएस उस पर हंगामा काट देता। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि बीजेपी रणदीप सुरजेवाला और साथ ही अधीर रंजन चौधरी के बयान की निंदा करता हूं और साथ ही कांग्रेस ने जिस तरह का व्यवहार किया दिखाया है उस पर डेमोक्रेटिक का सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का एक डीएसपी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस के अधीर रंजन ने आओ देखा मत आओ मिनटों में के अंदर ही धर्म ढूंढ लिया है। आतंकवाद पर धर्म की राजनीति करना कांग्रेस की संस्कृति रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे राज्य में अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को टैक्स फ्री कर दिया है। बता दें कि फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग काफी समय पहले से की जा रही थी जिसे मान लिया गया है। महाराष्ट्र में भी इसे टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। दिल्ली के शाहीनबाग कालिंदी कुंज में सड़क को जाम करने के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को जांच सौंपी है और इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि संबंधित विभाग यानी कि पुलिस इस मामले में कानून के तहत काम करे। शाहीनबाग में 15 दिसंबर से स्थानीय लोग नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं और साथ ही इससे एक महीने से इस रूट पर 15 दिसंबर से बंद है। पानीपत में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन हुआ और वहीं मराठा जागृति मंच ने कार्यक्रम आयोजित किया। फिलहाल हरियाणा में बजट से पहले प्री बजट पर मंथन जारी है जिस पर के सीएम ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की। हरियाणा में सीआईडी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संदेह जताया है कि सीआईडी वापस लिए जाने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। सीए के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा है। विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए विज ने कहा है कि जिस सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों ने बैठक हुई है ये सोनिया गांधी खुद गुमराह है। सिरसा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा है कि हरियाणा में न विपक्ष और न ही सरकार है बल्कि सब बेकार है। उन्होंने कहा है कि सरकार को अपने वायदे पूरे करने चाहिए और विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मोगा से बरनाला जा रही एक कार में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और कार जलकर खाक हो गई है। बता दें लेकिन गनीमत रही कि हादसे में किसी की शख्स की जान नहीं गई। सुल्तानपुर लोधी में वित्त मंत्री डॉक्टर उपेंद्रजीत कौर की कोठी में चोरी हुई है। बता दें कि 3 महीने में तीसरी बार चोरी की वारदात हुई है। चंडीगढ़ बनाली नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से बाधित हो गया है। ओट के साथ लगते बनाला शनि मंदिर के पास एक बार फिर से पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी पर सड़क की खस्ता हालत के कारण पर्यटन कारोबार भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।